हेलो, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित। आपके साथ एक बार फिर मैं हित अभिलाषी शर्मा आपके साथ एक नई वीडियो, एक नया कंटेंट, एक नए इंटरेस्टिंग वे में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक ऑन माय चैनल जानकारी हित इज़ द डेबिट एंड क्रेडिट एंड द ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। वी कैन से द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। वी विल आल्सो गो थ्रू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन टुडेज वीडियो। लेट्स मूव अहेड। फर्स्टली वी शुड नो दैट इफ एनीबॉडी आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो हमें एक बात साफ पता होनी चाहिए, डेबिट और क्रेडिट का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। डेबिट एंड क्रेडिट हैज़ नो मीनिंग एट ऑल। कोई भी आपको अगर पूछ ले डेबिट का मीन बताओ, डजेंट हैव एनी मीन। इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ आर अकाउंट। जस्ट सी दिस वीडियो ऑन योर फ्रंट पेज। यू जस्ट सी हेयर, दैट इज अ टी अकाउंट, शेप ऑफ टी लेटर, जैसे इंग्लिश का लेटर टी है उस टाइप का। हमने अकाउंट के बारे में एक अलग वीडियो में डिस्कस किया। अकाउंट की शेप है जो, अगर हम उसका फॉर्मेट देखें तो टी शेप होता है, दोनों तरफ बराबर बैलेंस्ड कॉलम होते हैं। तो डेबिट एंड क्रेडिट जस्ट रिप्रेजेंटिंग दीज टू साइड्स। जो लेफ्ट साइड है वो डेबिट साइड एंड जो राइट साइड है वो क्रेडिट साइड। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। लेट्स डिस्कस वन बाय वन व्हाट रेफर्स टू द डेबिट। डेबिट का मतलब क्या है फिर? डेबिट रेफर्स टू एन अमाउंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, मीन्स लिस्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारी जो हम अकाउंट बना रहे हैं, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमें सामने विजिबल हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, उसकी जो वो जो साइड है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग डेबिट, डेबिट साइड। डेबिट, इससे ये फर्क नहीं पड़ता डेबिट का मतलब हमेशा इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट। अकाउंट कैसा है उस पे डिपेंड करता है वो अकाउंट, वो पर्सनल है, नॉमिनल है, वट एवर इट्स टाइप, उस पे डिपेंड करेगा कि डेबिट का मतलब इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी, डेबिट मींस द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। सिमिलरली व्हाट क्रेडिट रेफर्स टू देन, तो क्रेडिट का मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके अमाउंट को, ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को हमने अपने टी अकाउंट की राइट साइड में शो करना है, दैट राइट साइड इज और रेफर्स टू क्रेडिट। इट आल्सो, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, इट डजेंट मीन आइदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि क्रेडिट का मतलब कम होना है या ज्यादा होना। ये तो अकाउंट की नेचर पे डिपेंड करेगा भी अकाउंट कौन सा है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। देन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन टुडेज वीडियो इज द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब हमें ये तो पता चल गया कि डेबिट और क्रेडिट जस्ट टी अकाउंट की लेफ्ट और राइट साइड है। अब इसके रूल क्या हैं, हमें एक बात ध्यान रखनी होगी। देर आर बेसिकली टू वेज टू डिस्कस द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वन इज द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच, एंड सेकेंड वन इज द मॉडर्न अप्रोच। इन टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस बोथ द अप्रोचेज ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच एज वेल एज ऑफ मॉडर्न अप्रोच। लेट्स बिगिन विद मॉडर्न अप्रोच। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, दिस मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन सिस्टम। इक्वेशन बेस्ड अकाउंटिंग कम्स अंडर द मॉडर्न अप्रोच। अंडर मॉडर्न अप्रोच इट शुड बी क्लियर देर आर फाइव टाइप ऑफ अकाउंट्स, फाइव टाइप ऑफ अकाउंट विच आई एम अगेन सेइंग, पांच तरह के अकाउंट हैं जिसमें सारे के सारे अकाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वन इज द एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, इनकम और रेवेन्यू अकाउंट,
एक्सपेंसेस अकाउंट, इक्विटी और कैपिटल अकाउंट। इन सब को जो है रिप्रेजेंट करते हैं ये सारे के सारे अकाउंट, जितने भी बिजनेस में कोई अकाउंट है इन पांचों में से किसी एक में शामिल होते हैं। अब जो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है, इसका मतलब एसेट जब इंक्रीज होगी तो अकाउंट के डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट, ये टेबल ये शो कर रहे हैं। वेन एवर देर इज इंक्रीज इन एनी एसेट, बिजनेस में कोई एसेट आती है, मतलब बिजनेस की जो एसेट्स हैं मशीनरी कैश, अगर वो इंक्रीज हो रही है, उनका बैलेंस बढ़ रहा है, दिस मींस डेबिट साइड, उसको डेबिट साइड शो किया जाएगा उस एसेट को। और अगर उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उस एसेट को हम क्रेडिट करेंगे, ये ध्यान रखना होगा। एंड इन केस ऑफ लायबिलिटी द मैटर इज रिवर्स, जो लायबिलिटी का है ना अभी देनदारियां, ये एसेट से बिल्कुल अगर ध्यान से देखो ये बिल्कुल उल्ट है। अगर लायबिलिटी मतलब देनदारी बढ़ रही है देन हम क्रेडिट करेंगे उस लायबिलिटी को, अगर देनदारी डिक्रीज मतलब कम हो रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे, ये ध्यान रखना होगा। इसी तरह से नेक्स्ट वन इज द इनकम एंड इन केस ऑफ इनकम एंड रेवेन्यू, जब भी बिजनेस को बहुत सी इनकम होती हैं, भी जैसे हम लोगों को इनकम है बिजनेस को भी बहुत सी इनकम है, बिजनेस को कहीं से कमीशन मिल रही है कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सारी इनकम्स हैं। अगर बिजनेस की इनकम इंक्रीज होती है, ये इक्वेशन सिस्टम बेस कह रहा हूँ मैं, इनकम इंक्रीज होती है बिजनेस को कहीं से इनकम मिल रही है मतलब, तो उस इनकम के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, और अगर इनकम कम हो गई तो उसको क्या करेंगे डेबिट करेंगे। इसी तरह से जो एक्सपेंसेस है उसका रिलेशन एसेट्स और लायबिलिटी की तरह इनकम से बिल्कुल रिवर्स है। जब भी एक्सपेंसेस होंगे, इंक्रीज होने का मतलब खर्च हो रहा है भाई, तो जब भी एक्सपेंसेस होंगे तो हम एक्सपेंसेस के अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गए एक्सपेंसेस में कुछ कमी आई है तो हम उसको क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। फिफ्थ वन इज द इक्विटी एंड कैपिटल, कैपिटल हमें पता है भी जो उसके ऑनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया दैट इज कैपिटल। वेन एवर देर इज इंक्रीज इन कैपिटल, जब भी बिजनेस में कैपिटल में इंक्रीज होगा, बाहर से पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाएगा, बिजनेस का जो ऑनर है, तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, और अगर कैपिटल में कमी आती है तो हम उसको क्या करेंगे डेबिट करेंगे। दीज आर द इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रिलेटिंग विद डिफरेंट अकाउंट। वट वन थिंग शुड बी क्लियर टू अस, दीज रूल्स आर बेस्ड अपॉन अकाउंटिंग इक्वेशन सिस्टम दैट इज ऑल्सो नॉन एज अ मॉडर्न अप्रोच। नेक्स्ट वन इज द सेकेंड पार्ट के सेकेंड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जिनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी कहते हैं। अगर इन दोनों रूल्स को जो मैंने पहले केस स्टडी किया और ये दोनों आ गए ना तो आपका बेड़ा पार, हर एक तरह की चीज़ आपको जो अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी, काम आसान बनता चला जाएगा। तो ये रूल क्या है डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अकॉर्डिंगली हम सबको पता है, हमने पिछली वीडियोस में भी किया कि तीन तरह के अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। हमें पहले इन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए पर्सनल अकाउंट मतलब जो पर्सन से रिलेटेड हैं। पर्सन तीन तरह के हैं, नेचुरल हैं, आर्टिफिशियल हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये हमने प्रॉपर डिस्कस किया है। अगर किसी के मन में डाउट है नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव क्या है, ये आप मेरी जो अकाउंट से रिलेटेड वीडियो है यही जानकारी है चैनल पर वहाँ देख सकते हैं। नेचुरल आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव तीनों टाइप के जो इंसान हैं भाई, ये तो जो भगवान ने हमको बनाया, जैसे हम नेचुरल हैं, जो बैंक है बिजनेस हाउसेज हैं उनके भी कोई नाम है, वो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जो उनको उनकी प्रतिनिधित्व होते हैं बट वो एक्चुअल में पर्सन नहीं है, इनके बारे में डिटेल वीडियो आप देख सकते हो। पर्सनल अकाउंट का हमने किया, उसके बाद रियल में हमें पता है एसेट्स आती हैं टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, चाहे जिनको देख सकते हैं जिनको नहीं देख सकते। नॉमिनल में सारे जो इनकम है एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस के जो प्रॉफिट हैं लॉसेस हैं गेंस हैं, वो सब कुछ इसमें आते हैं, ये ध्यान रखना होगा। तो इनके रूल क्या हैं,
इनको भी गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी कहते हैं। गोल्डन की तो वैसी वैल्यू होती है, हम जानते हैं ना, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, सोना सोना, तो ये भी एक तरह के सोना है भाई, इसको ध्यान से सीखना। पर्सनल अकाउंट, जब भी इनमें से कोई पर्सन रिसीवर होगा प्राप्त करने वाला, तो उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अगर वही पर्सन गिवर होगा देने वाला, तो उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। रिसीवर को मान लो हमने किसी को कैश पे किया, बिजनेस में किसको पे किया, मान लो मोहन को किया, तो मोहन ने कैश लिया भाई, तो मोहन रिसीवर हो गया, तो मोहन के अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर किसी ने हमें कैश दिया, हमारे बिजनेस को कैश दिया, वो किसी कौन है, कोई भी नाम हो सकता है भाई, आपका नाम भी, मान लो आपने मुझे दिया, तो मैं आपके अकाउंट को क्या करने वाला हूँ, क्रेडिट करने वाला हूँ, क्योंकि क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, रियल क्योंकि एसेट्स होती हैं, उनका एक स्थूल रूप है, या जिनको इंटेंजिबल कहते हैं, देख नहीं सकते, एसेट्स हैं, या तो बिजनेस में आएंगी या जाएंगी, ये ध्यान रखना होगा। अगर कोई एसेट बिजनेस में आती है, तो उस एसेट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। द रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कोई एसेट आई, बिल्डिंग को बिजनेस ने परचेज किया, तो बिल्डिंग के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग बिजनेस में आ गई है भी। अगर उसी बिल्डिंग को बिजनेस ने सेल आउट कर दिया, बेच दिया, व्हाट गोज आउट, बिल्डिंग चली गई बिजनेस से बाहर, तो बिल्डिंग अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। द सिंपल सा फंड है भी, एसेट्स आएंगी रियल अकाउंट में इंक्लूड होती हैं, तो उस एसेट के अकाउंट को डेबिट, जाएंगी तो उस एसेट के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट वन इज द नॉमिनल। सारे जो एक्सपेंसेस हैं बिजनेस ने, सैलरी पे की, वेजेस पे किए, लॉस वाई फायर है, लॉस हो गया अभी कहीं पे भी बिजनेस को, उन सारे सारे रिलेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। और भी जितनी इनकम और गेन्स हैं, बिजनेस को फायदा हो गया, कहीं से पैसा मिल रहा है बिजनेस को, कोई प्रॉफिट हुआ है इस वजह से पैसा मिल रहा है, तो वो सब के सब अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सो दीज आर द बेसिक गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। पर्सनल अकाउंट, इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट द रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इन केस ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। दीज थिंग शुड वी कीप इन माइंड। इनको सिर्फ हमने क्रैम नहीं करना, रिसीवर गिवर जैसे मैंने बताया, इसका मतलब समझ के हमने आगे बढ़ना है। नेक्स्ट वन, मोर इंपॉर्टेंट थिंग, लिटिल बिट लेस देन तो गोल्डन रूल है, पर ये भी हमें जब हम जर्नलाइज करेंगे नेक्स्ट, किसी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है, ये भी चीज बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। वन इंपॉर्टेंट नोट, इट शुड बी कीप इन माइंड, डेबिट और क्रेडिट ऑल एसेट्स व्हेन, कब भी एसेट्स को डेबिट और क्रेडिट कब करें, डेबिट इफ एसेट्स इंक्रीज, अगर बिजनेस की एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट इफ एसेट डिक्रीज और क्रेडिट करेंगे अगर वो एसेट डिक्रीज हो रही है, उसकी वैल्यू बिजनेस में कम हो रही है। ये मैंने आपको इक्वेशन सिस्टम बेस्ड मेथड में बताया। सिमिलरली इन केस ऑफ लाइबिलिटीज, ये ध्यान रखना होगा, जो हमारी देनदारियां हैं बिजनेस की, उन उस किसी लाइबिलिटी को डेबिट या क्रेडिट कब करेंगे, डेबिट करेंगे लाइबिलिटी को अगर लाइबिलिटी बिजनेस में क्या हो रही है, अभी डिक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे हम, डेबिट। और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है भाई, बढ़ रही है, ऊपर को जा रही है, बिजनेस की देनदारियां बढ़ रही हैं, तो उस लाइबिलिटी के अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ये बात ध्यान रखनी होगी, ये थोड़ा सॉर्ट आउट करने में इजी रहेगा जब हम किसी अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट, इस बारे में अगर हमने कभी डिसाइड करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज द, एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। वैसे ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, उसमें से एक प्रिंसिपल है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये बात ध्यान रखना होगा, वेन एवर एनी ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इन अ बिजनेस, इट हैज टू इफेक्ट ऑन टू डिफरेंट अकाउंट एंड ऑन टू डिफरेंट डायरेक्शन। ये डायरेक्शंस क्या हो गई भाई, जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होगी तो दोनों दिशाओं में बराबर इफेक्ट पड़ेगा। दिशा कौन सी होगी, वही लेफ्ट एंड राइट, डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट तक की तरफ इक्वल मॉनेटरी वैल्यू से इफेक्ट पड़ेगा। 5,000 के साथ अगर कोई एक या दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, तो सिमिलरली उसी टाइम 5,000 के साथ ही एक या दो अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट होंगे।
ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। जैसे बिजनेस ने एक एग्जाम्पल यहां पे मैंने कोट किया, ध्यान से देखो भी, शुरुआत है, अगर अब आ गया तो कभी नहीं भूलोगे। बिजनेस आज थोड़ा टाइम लग रहा है पर ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बिजनेस ने मशीनरी परचेज की 5,000 की, हैविंग ड्यूअल इफेक्ट, वन ऑन मशीनरी एंड सेकेंड इफेक्ट ऑन कैश। मशीनरी परचेज की है, अभी मशीनरी आ रही है तो कुछ तो जाएगा, रोकड़ा गया, कैश गया बिजनेस से। तो ये जो इफेक्ट है इसी को हम रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअलिटी प्रिंसिपल क्या है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन एंड अ बिजनेस हैव इक्वल टू इफेक्ट्स और गोइंग टू इफेक्ट टू एस्पेक्ट्स। वो एस्पेक्ट्स क्या हैं, डेबिट एंड क्रेडिट विद सेम मॉनेटरी वैल्यू, ये ध्यान रखना होगा हमें। तो इसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपका काम आसान बनेगा, जल्दी जल्दी से इनसे निकलते हैं। पर ध्यान से, मान लो एक बिजनेस है, अभी मेरा और तुम्हारा फर्नीचर परचेज किया हमने, तो किस पे दो इफेक्ट पड़ेंगे। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को समझाने की बात कर रहा हूं, डेबिट और क्रेडिट के साथ ऑर्गेनाइज करते हुए। तो मान लो बिजनेस ने एक फर्नीचर परचेज किया, कोई भी सोफा कुर्सी वट एवर इट मे बी, फर्नीचर जो है क्योंकि वो एसेट है, हमें ये डिसाइड करना होगा। एक तो फर्नीचर पे असर पड़ा, दूसरा इफेक्ट है वो कैश पे पड़ा। अब हमें ये इसके बारे में सोचना कैसे होता है, मैं ये सिखा रहा हूं। जो दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा, पहले हमें उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दो या दो से ज्यादा, आगे दो से ज्यादा वाले भी हम ट्रांजेक्शन देखेंगे। जिन अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से, पहले उसको आइडेंटिफाई करो, फिर देखो वो एक्चुअल है क्या। जैसे यहां पे फर्नीचर और कैश एसेट हैं, और जो एसेट हैं वो रियल अकाउंट में आती हैं। रियल अकाउंट का ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां देखो, फर्नीचर को परचेज किया, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को हम क्या करेंगे, डेबिट, और कैश जा रहा है, कैश के रिगार्डिंग क्या है ट्रीटमेंट रियल अकाउंट का, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो जा रहा है उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सा, ध्यान से एक एग्जांपल और करते हैं। मान लो बिजनेस में हमारा कोई एम्प्लॉय था, उसको हमने सैलरी पे की, तो अब सैलरी पे की ड्यूल इफेक्ट तो यहां भी है, पर हमें प्रोसीजर क्या देखना है, डेबिट और क्रेडिट को भी देखना है साथ में। सैलरी पे की, क्योंकि एक तो सैलरी अकाउंट बिजनेस का एक्सपेंसिस है, उस पर इफेक्ट पड़ा, दूसरा कैश पे हमारी एक लाइबिलिटी है, देनदारी थी सैलरी की, वो हम चुकता कर रहे हैं भी आज, और दूसरा क्या है, बिजनेस का जो कैश है उस पे इफेक्ट पड़ा क्योंकि कैश जा रहा है। अब इनको अगर हम एक एंगल से देखें, जिसको हम गोल्डन रूल कह रहे थे, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में क्या है, सारे एक्सपेंसेस को क्या करो, डेबिट, तो सैलरी अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट, और कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का ट्रीटमेंट क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब क्रेडिट मतलब व्हाट गोज आउट, जो बाहर जा रहा है, जा क्या रहा है अभी, कैश, तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। एक और एग्जांपल फाइनली जल्दी जल्दी से, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद। मान लो आप में से कोई अरविंद है, आपसे मैंने कैश प्राप्त किया, जा हमारे बिजनेस में कैश प्राप्त किया, तो डबल इफेक्ट किस पे पड़ा, एक इफेक्ट पड़ा कैश पे, दूसरा इफेक्ट पड़ा अरविंद पे। कैश क्या है, बिजनेस की एसेट है, रियल अकाउंट में आती है, रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर बिजनेस में कोई एसेट आई तो उस अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो हम कैश को क्या करेंगे भी, डेबिट। अब अरविंद पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में आया, पर्सनल अकाउंट में होता है क्रेडिट द गिवर, गिवर अगर है पर्सन तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो। अब भी अरविंद तो गिवर है, वो हमें पैसे दे रहा है ना, वो गिवर है, पैसे ले नहीं रहा, हमें दे रहा है, देन उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ये बात ध्यान रखनी होगी, थोड़ा इस पे कंसंट्रेट करो, तब बातें आसान बनती चली जाएंगी। So, in conclusion, I consider that today's video I have seen the basic concept of debit and credit and the rules of debit and credit. आज की जो वीडियो हमने देखी उसमें बेसिकली जो मैंने आपको बताया डेबिट और क्रेडिट क्या है, हमें ये याद रखना होगा, इसका कोई बेसिकली डेफिनेशन या मीनिंग नहीं है, ये हमें बार बार ध्यान में रखना होगा। कोई पूछ ले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यू शुड क्लियरली से देयर इज नो मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट इज जस्ट अ डायरेक्शनल
लुक ऑफ अकाउंट एक टी टाइप का अकाउंट है जो मैंने दिखाया भी था आज की वीडियो में, उसकी जो लेफ्ट साइड है वो डेबिट साइड, जो राइट साइड है वो क्रेडिट साइड, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। फिर हमने बात की आज की वीडियो में, ये रिकैलकुलेशन है आपके साथ मैं फिर शेयर कर रहा हूँ इस बात को, कि जो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स है उसके लिए हमने जो दो टाइप की अप्रोचेज हमारे सामने आती है, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न इक्वेशन बेस्ड अप्रोच। जो मॉडर्न इक्वेशन बेस्ड अप्रोच है उसमें 5 टाइप के अकाउंट्स के हमने रूल्स को डिस्कस किया, वो कौन कौन से थे आपको याद होगा, वो एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, और वी कैन से इनकम अकाउंट, एक्सपेंडिचर एंड इक्विटी और कैपिटल अकाउंट। देन इसके बाद हमने चर्चा की थी कौन से अकाउंट की, इसके बाद जो हमारा कंटेंट था वो था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के बेस्ड, जिसको मैंने कहा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको दोबारा से फिर देखिए वीडियो के उस हिस्से में जाकर, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने अकाउंट को 3 हिस्सों में बांटकर डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को जाना, वो तीन कौन से थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, उनके रूल्स क्या थे वो हमने डिटेल में जानने की कोशिश की है इस वीडियो में। इसके बाद जो नेक्स्ट था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर विद्यार्थी जनरली चुप कर जाते हैं, उस बात को समझ नहीं पाते, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट इन अकाउंटेंसी, ये क्या है। ये मैंने आपको बताया कि बिजनेस में हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट है, ड्यूल इफेक्ट, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है दो डिफरेंट अकाउंट पे उसका इफेक्ट पड़ता है, इस बात के बारे में आपके साथ आज के वीडियो में चर्चा की। सो स्टूडेंट्स, अगर आपकी किसी तरह की कोई कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां अपना कमेंट लिखिए और मुझे प्रॉपरली बताइए कि क्या आपको नहीं पता चला और क्या सुझाव है आपके, आप मुझे वो भी सजेस्ट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स जो आपके साथ ही हैं और जो टीचर हैं वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि बच्चों के लिए टॉपिक आसान बनता चला जाए। और उसके अलावा एक नया कॉन्टेंट, एक नया कॉन्सेप्ट, चाहे वो अकाउंटेंसी का है, इकोनॉमिक्स का है, या कॉमर्स के दूसरे सब्जेक्ट का, बहुत जल्द आपके साथ फिर अभिलाषी शर्मा मैं जानकारी ही चैनल पर यहाँ पर लेके आने वाला हूँ। तब तक इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।